नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद नौशाद आलम। दोस्तों, आज टेक्नो स्मार्ट 4 प्लस है, इसका डिस्प्ले जो है फोल्डर ये पूरा टूटा हुआ है। इसको आज जो है सफलतापूर्वक जो है इसे आज चेंज किया जाएगा। इस वीडियो में आप बने रहें और पूरा वीडियो ज़रूर देखें। देखिए, यह हीटिंग मशीन है, इस पर जो है सो 10 मिनट तक जो है आप छोड़ सकते हैं। 120, ये जो लाल वाला चल रहा है सेकंड 26-27, ये 120 हो तो आप उसे उठा सकते हैं और फिर इसे निकाल सकते हैं, डिस्प्ले को जो है फ्रेम से निकाल सकते हैं, जैसा कि लड़का कर रहा है। हाँ दोस्तों, देखिए अब ये 120 हो चुका है। अब ये जो है सो इसको प्रॉपर तरीके से बैटरी को उखाड़ा जाएगा। देखिए दोस्तों, बैटरी को उखाड़ने के लिए आपको सबसे पहले एक टैम्पर का जो परत होता है उसके ज़रिए आपको उखाड़ना है। इसमें कोई भी लोहा का चीज़ या फिर कोई नोकीला चीज़ इस्तेमाल नहीं करना है बैटरी उखाड़ते समय, नहीं तो बैटरी को ब्लास्ट होने का संभावना ज़्यादा रहता है। और ये देखिए, लड़का प्रॉपर जो है डिस्प्ले को ये उखाड़ रहा है और ये उखाड़ दिया। और सबसे पॉइंटली बात होता है कि डिस्प्ले लगाने से पहले जो फ्रेम होता है, डिस्प्ले फ्रेम, उसको प्रॉपर साफ करना। बहुत सफलतापूर्वक जो है इसे साफ किया जाता है, इसमें छोटा सा भी कोई कण न रह जाए जिससे कि डिस्प्ले को परेशानी हो, डिस्प्ले में लाइनिंग आ जाए, टच वर्क नहीं करे या फिर ग्राफिक निगेटिव हो जाए, बहुत ऐसा परेशानी हो जाता है। इसलिए आप पहले डिस्प्ले फ्रेम को प्रॉपर साफ करें अच्छी तरीके से, हो सके तो कैमरे पर एक टेप मार दे ताकि कोई भी डस्ट जो है कैमरे के लेंस को ख़राब ना करे। ये देख लीजिए, प्रॉपर तरीके से साफ कर रहा है। ये स्मार्ट 4 प्लस का फोल्डर है। क्योंकि पहले से 5 फोल्डर था, वो पहले चेक कर ले। ये पहले से चेक किया हुआ है, लेकिन लगाने से पहले एक बार चेक कर ले, ये टेस्टेड किया हुआ माल है। नहीं होगा। ये देखिए, बारीकी से जाली को जो है डिस्प्ले का, एयर स्पीकर का जाली है, उसको प्रॉपर तरीके से बैठाना। उसके बाद जो है सो बहुत बारीकी से इसको साफ़ करके, और पेस्ट लगाने का भी तरीका बहुत अजूबा होता है, अजूबा तरीका है।
और इसे देखें कि फोल्डर आपका लाइनिंग किस तरह से, किस वजह से लाइनिंग आता है, किस वजह से टच नट वर्किंग हो जाता है या फिर नेगेटिव डिस्प्ले हो जाता है, इसे आज समझें। देखिए ये पत्ती जो है, इसमें जो टेप लगा होता है उसको आप पहले रिमूव करें। टेप को रिमूव करने के बाद इसे अच्छी तरह से ऊपर की दिशा में हौला उसे बैठावे। देख लीजिए इसको प्रॉपर तरीके से ये बैठ गया। ये देखिए टेप को किस तरह से रिमूव किया जा रहा है। ये जो पेस्ट लगा रहे हैं इसमें बहुत बारीकी से पतला परत के साथ जो है सो इधर उधर जो है फ्रेम के इधर उधर ना छिड़के, इस तरह से एकदम बारीकी से लगाए ताकि डिस्प्ले लगने के बाद जो है प्रॉपर काम करे और ब्लैक ब्लैक जो है इधर उधर ना छिड़के। तो आप देख सकते हैं किस तरह से एकदम बारीकी से इस पर पेस्ट को जो लगाया जा रहा है। देखिए थोड़ा जाली पर भी आप लगा सकते हैं और कैमरा को बचाते हुए, बगल में सेंसर भी है उसको बचाते हुए आपको पेस्ट लगाना है। देखिए इस डिस्प्ले के नीचे परत जो होता है उस पर हौला लगाना है, मतलब बहुत पतला लगाना है, एक सुई के बराबर ही लगाना है ताकि वहाँ पर जो है ज़्यादा पेस्ट लगने से डिस्प्ले ख़राब होने का चांस ज़्यादा रहता है। ये देख लीजिए यहाँ पे बहुत ही बारीकी से बहुत पतला सा नहीं के बराबर यहाँ पे पेस्ट को डालना है ताकि हमारा डिस्प्ले टच चिपक सके और नीचे की ओर ना घींचे। ये आपका रेडी हो गया और देखिए डिस्प्ले बैठाने का तरीका देख लें।
इसको जो हौले इशारों से इशारों में इसको पैनल को फ्रेम में बैठाना है। अगर ज़्यादा अगर प्रेस कीजिएगा तो डिस्प्ले फूटने का चांस रहता है, इसलिए इशारों में इसे बैठाना पड़ता है। मोबाइल भी ऑन हो गया है और देखिए इस जो है फैलकन से पूरा कोर को जो भी पेस्ट इधर उधर फैला हुआ है उसे पहले बढ़िया से साफ़ कर दीजिए इसको, ताकि जो है सो गंदा नज़र नहीं आवे और मोबाइल जो है सो लगे कि हाँ डिस्प्ले लगा हुआ है और पता भी नहीं चले कि इसमें डिस्प्ले चेंज हुआ है। तो इस तरह से पहले फैलकन से चारों परत को फ्रेम को साफ़ कर लेना है, उसके बाद जो है रबर के सहारे से इसे रबर को लगा देना है। ये देखिए प्रॉपर काम करने लगा। और ये रबर जो है 2 घंटे या 3 घंटे के बाद आप इसे कस्टमर को दे सकते हैं, और 2 से 3 घंटे के बाद कस्टमर को बोलिएगा इसको रबर को हटा देगा फिर, और इस पर टेम्पर लगा सकते हैं। और ये लड़का ने जो है सो पूरे 92 दिन के अंदर में 45 से 50 केजी डिस्प्ले फोल्डर को चेंज किया है। इसका सबूत आपके सामने पीछे है, वहाँ आप देख सकते हैं। और ये देख लीजिए थोड़ा सा भी कहीं पर गूंद आपको नज़र नहीं आ रहा है, एकदम मस्त से चिपक गया है। और ये देखिए ये जो है आपको 40 किलो डिस्प्ले पूरा चेंज किया, ये लिख दीजिए 92 दिन में पूरे 40 से 50 केजी के करीब डिस्प्ले को इसने चेंज किया है।